हेलो, डीपीवी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सर्वो मोटर को L293d मोटर ड्राइवर के साथ कैसे जोड़ना है वो सीखेंगे। ये हमारा L293d मोटर ड्राइवर बोर्ड है। यहाँ पे हम लोग दो सर्वो मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 पिन्स है सर्वो मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए। एक मोटर्स के लिए 3 पिन्स, तो दोनों के लिए 6 पिन्स टोटल। तो जब हम यहाँ पे ये लगाएंगे तो इस बोर्ड में एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं है। ये पिन एक्सटर्नल पावर सप्लाई का ये पिन है, यहाँ पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई का ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग आर्डुइनो का पावर से ही ये पावर सर्वो को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का दो सर्वोस है, तो ये SG90 सर्वो है 9G। तो आप दूसरा टाइप का सर्वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 वायर है, जो ये फर्स्ट वाला ये ऑरेंज वाला है, ये सिग्नल पिन है, ये सिग्नल वायर है, जो रेड वाला है ये VCC है, और ये लास्ट वाला ये जो है ये ग्राउंड वायर है। आप एनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, बोर्ड्स, मॉड्यूल्स, इस तरफ का सर्वोस, ये सब हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.dpvtechnology.com से ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। लिंक ऊपर में दिया हुआ है राइट साइड में, आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो 3 पिन्स है, ये 3 पिन्स सर्वो 1 के लिए है, और ये सेकेंड वाला 3 पिन्स, ये सेकेंड में जो है ये दूसरा वो सेकेंड सर्वो मोटर्स के लिए है। तो फर्स्ट वाला पिन में जो लेफ्ट साइड में है ये पिन ग्राउंड पिन है। यहाँ पे सर्वो का ग्राउंड वायर कनेक्ट करना होगा। तो ये जो मिडल में है ये प्लस लिखा हुआ है इस तरफ, ये VCC है, और ये वाला राइट साइड में जो है ये सिग्नल पिन है। यहाँ पे हम लोग सर्वो का सिग्नल वायर कनेक्ट करना है। अभी हम लोग सर्वोस को कनेक्ट करेंगे। तो आप ऐसे लीजिए पिन को, ये वायर्स को, एंड ऐसे कनेक्ट करना है। तो ये लिप्स, ये ग्राउंड वाला वायर ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे होगा, और ये अभी नेक्स्ट वाला सर्वो हम लोग कनेक्ट कर दिया है। तो ये पहला वाला सर्वो है, ये वाला, और ये सेकेंड है। तो पहला वाला 9 में कनेक्ट करना होगा कोडिंग में, और ये सेकेंड वाला को कोडिंग में 10 में कनेक्ट करना होगा। हम लोग देखेंगे बाद में कोडिंग में। तो ये मोटरशील को यूज करने के लिए फर्स्ट हम लोगों को एक गिट हब से मोटरशील का लाइब्रेरी डाउनलोड करना होगा। ये लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये लिंक, यहां लिंक में जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग ये लाइब्रेरी को डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड के बाद इसको अनजिप करना होगा। अनजिप करने के बाद जो फोल्डर रहेगा वो फोल्डर को हम लोग आर्डुइनो का लाइब्रेरी फोल्डर में कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग लाइब्रेरी फोल्डर में जाएंगे अभी, और लाइब्रेरी फोल्डर में जाके ये लाइब्रेरी को, ये फोल्डर को पेस्ट कर देना है, जो अनजिप वाला फोल्डर को। तो अभी हमें आर्डुइनो आईडी को ओपन करना है, और ये आप कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये कोड ले सकते हैं। तो इसके बाद ये कोड को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सर्वोस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो ये कोड का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कोड का एक्सप्लेनेशन। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हैं। और ये सब सर्वो, आर्डुइनो यूनो, ये बोर्ड L293d मोटर ड्राइवर बोर्ड, ये सब हमारा वेबसाइट www.dpvtechnology.com में बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप एक बार वहां जाके देखिए, और वहां से आप ले सकते हैं बेस्ट प्राइस में। सो थैंक यू।